Hello everyone, my name is Aditya Paliwal and I welcome you all to my YouTube channel. Friends, इस channel पर मैंने सभी competitive exams में आने वाले important topics, उनके basics, tips and tricks अलग-अलग sources से पढ़कर 20 minute के videos compile करके upload करें. इन videos की help से आपकी 60% मेहनत बचेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा time question practice करने में दे पाएंगे. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से बैकग्राउंड स्टडी करके आप लोगों के लिए वीडियोस कंपाइल करके अपलोड करूं, तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. आइए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं. अगर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन एम मोर डेज then the number of days taken by a plus b. अगर अपन को क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है सेंटेंस, a can complete a work in m more days than the number of days taken by a plus b. यानी अपन को अगर ये दिया हुआ है कि a प्लस b मिलकर कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर अपन मान लेते हैं कि a प्लस b मिलकर कोई काम करते हैं t डेज में, और अपन को दिया है कि a अगर अकेला करता है तो उसको m मोर डेज लगते हैं, यानी t से m डेज ज्यादा लगते हैं काम करने में. b अकेला कोई काम करता है, b कैन कंप्लीट अ वर्क इन n मोर डेज देन t. यानी अपन को ये दिया हुआ है बी अगर कोई काम करता है अकेला, तो ए प्लस बी अगर साथ में काम करने में टी डेज लेते हैं, तो बी अकेला टी प्लस एन डेज लेता है, यानी एन डेज मोर लेता है. इस केस में अगर बोलते हैं अपन को कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज, अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो कितने डेज लेंगे, तो अपन के पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एम मल्टीप्लाई बाई एन डेज. तो यहां पर अपन को क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है ए और बी मिलकर कोई काम करते हैं टी डेज में, ए अकेला उस काम को करने में m डेज ज्यादा लेता है a प्लस बी से, b अकेला उस काम को करने में n डेज ज्यादा लेता है a प्लस बी से, तो उस केस में a प्लस बी मिलकर उस काम को कितने डेज में करेंगे, तो t इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m मल्टीप्लाई बाय n डेज. एग्जांपल से अपन इस कांसेप्ट को समझते हैं. व्हेन a अलोन कैन डू अ वर्क ही टेक्स 16 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय a प्लस बी टू कंप्लीट द वर्क, व्हाइल b अलोन टेक्स 9 डेज मोर देन टाइम टेकन बाय a प्लस बी टू फिनिश द वर्क, a plus b together will finish the work in how many days. क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है a अगर अकेला काम करता है तो 16 डेज ज्यादा लेता है a plus b से, b अगर अकेला काम करता है वो 9 डेज ज्यादा लेता है a plus b से. तो यहां पर अगर अपन को बोला है कि a plus b टाइम कितना लेंगे इस वर्क को फिनिश करने में, तो अपने पास फॉर्मूला होता है t is equal to under root of a multiply by b. यहां पर a की वैल्यू है 16, b की वैल्यू है 9, under the root of 69. 16 का अंडर रूट होता है 4, 9 का 3, यानी 12 डेज लगेंगे a प्लस b को वर्क फिनिश करने में. 12 डेज के अंदर a प्लस b वर्क फिनिश कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. a कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन b, व्हाइल a डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन c. इफ a प्लस b कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम इन व्हिच c अलोन डज द वर्क, इन हाउ मेनी डेज a अलोन कुड कंप्लीट द वर्क. अब इस क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है तीन पर्सन है a b c. a 9 मोर डेज लेता है c से कोई काम को करने में, यानी अगर c x डेज लेता है तो a को लगते हैं x plus 9 डेज. एक और अपन को इंफॉर्मेशन दी गई है a can complete the work in 5 more days than b, यानी a b से 5 डेज मोर डेज कम लेगा, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास x plus 9 minus 5, यानी x plus 4. अब अपने पास a b और c के नंबर ऑफ डेज आ गए. a अगर किसी काम को x plus 9 डेज में करता है, b किसी काम को x plus 4 डेज में करता है, और c किसी काम को x डेज में करता है. एक और इंफॉर्मेशन अपन को दी गई है कि a plus b किसी काम को करने में उतना ही टाइम लेते हैं जितना c लेता है, यानी c अगर x ले रहा है तो a plus b को कोई काम करने में कितना टाइम लगेगा, x डेज लगेंगे. अब यहां पर अपन ने जो कांसेप्ट सीखा था उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं a को a plus b अगर कोई काम को x डेज में लग रहा कर रहा है, a को अगर x plus 9 डेज लग रहे हैं, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी m, जो अपन ने ली थी कि a plus b से कितने डेज ज्यादा है तो वो भी 9. इस तरीके से b को a plus b से कितने डेज ज्यादा लग रहे हैं, x plus 4, यानी 4 डेज ज्यादा लग रहे हैं. तो यहां पर अपन निकाल लेंगे a plus b वर्क कितने दिन में करते हैं, यानी a plus b को कितना टाइम लगेगा, वो देखा था अपन ने t is equal to under the root of
a into b, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 और 4, तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि अपन ने यहां पर देख लिया a plus b अगर x डेज में कर रहे हैं तो a कितना टाइम ले रहा है x से ज्यादा 9, b x से कितना ज्यादा ले रहा है 4, जो अपने कांसेप्ट में वैल्यूज थी। अब यहां पर ये अपने पास आ जाएगी अंडर द रूट ऑफ 9 3 into 4 का 2, यानी 6 डेज में a plus b किसी काम कंप्लीट करेंगे, यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास 6 डेज। अब अपन को पूछा है कि a कितने दिन में करेगा, a करेगा x plus 9 डेज में, तो a को कितना टाइम लगेगा 6 plus 9 दैट विल बी 15, इसी तरीके से b को कितना लगेगा 6 plus 4 दैट विल बी 10, और c को कितना लगेगा x यानी 6 डेज टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट कांसेप्ट जो अपने पास आता है वो है मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन का कांसेप्ट। इस कांसेप्ट में क्या होता है, अगर अपन को क्वेश्चन में दिया है कि कुछ मैन और कुछ वुमेन मिलकर कोई वर्क करते हैं, अगर उनको x टाइम लगता है तो नंबर ऑफ मेंस और नंबर ऑफ वुमेन्स अगर अलग होंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। यहां पर वो a और b जो अपन लेते थे इतने टाइम से क्वेश्चन में, यानी a अगर किसी काम को x डेज में कर रहा है, b y डेज में कर रहा है, उसकी जगह अपन मैन और वुमेन लेंगे। अपन इस कंसेप्ट को एक एग्जांपल से समझेंगे। इस कंसेप्ट को समझने में काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, आज मैं यहां पर आपको ये कंसेप्ट काफी अच्छे से समझाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपन एक एग्जांपल से। अपन को दिया हुआ है इफ 5 मेन कैन डू अ वर्क इन 2 डेज एंड 3 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 5 डेज, find the time taken to complete the same work by 10 men and 3 boys। यहां पर अपन को दिया है 5 men अगर 2 days काम करते हैं, यानी 5 men अगर 2 days काम करते हैं तो work complete करते हैं। इसी तरीके से 3 boys अगर 5 days काम करते हैं तो वो भी same work complete कर रहे हैं। अपन यहां पर assume कर लेते हैं कि 1 unit work करना है। अगर इनको 1 unit work करना है तो 1 man का 1 day work क्या हो जाएगा अपने पास, 1 divided by 5 into 2 यानी 1 by 10 unit। इसी तरीके से 1 boy का 1 day work क्या हो जाएगा अपने पास, अगर ये 1 unit work कर रहे हैं complete तो ये हो जाएगा अपने पास 1 divided by 5 multiplied by 3 that will be 1 by 15 unit। ये आ गया अपने पास man का 1 day work, boy का 1 day work। अब question में अपन को दिया है 10 men, 10 men कितना काम करेंगे, number of men multiplied by 1 day work plus 3 boys, 3 boys कितना काम करेंगे, number of boys multiplied by 1 day work। अब ये अपन को ध्यान रखना है कि अगर यहां पर and दिया हुआ है तब तो men और boys साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, अगर यहां पर और लिखा होगा question में तो इसका मतलब 10 men और 3 boys equal काम कर रहे हैं, जितना काम 10 men कर रहे हैं उतना ही 3 boys कर रहे हैं। यहां पर अपन को and दिया हुआ है तो अपन क्या करेंगे, add कर देंगे। ये कितना टाइम लेंगे अपन को कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करना है 1 प्लस यानी 1 by 5 that will be 6 by 5। ये क्या आ गया अपने पास इनका 1 day work, 1 day work आ गया किसका, 10 men plus 3 boy का 1 day work है वो आ गया अपने पास 6 by 5। अब total work अगर उनको 1 unit करना है तो उनको कितना time लगेगा, 1 divided by 6 by 5 तो ये आ जाएगा अपने पास 5 by 6 days, यानी 10 men और 3 boys 5 by 6 days में उस work को complete करेंगे। नेक्स्ट कांसेप्ट जो है अपने पास उसमें ये एग्जांपल से अपन समझेंगे किस टाइप से अपन को ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 10 men and 8 women together can complete a work in 5 days, work done by one woman in a day is equal to half the work done by a man in a day, how many days it will take for 4 men and 6 women to complete that work। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है और इसी एग्जांपल से अपन को मेथड भी डिराइव करना है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन अपने को दी है 10 men and 8 women। अब जब अपने को दिया हुआ है 10 men and 8 women, फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर एंड दिया हुआ, एंड दिया हुआ यानी 10 आदमी और 8 औरत मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, कितने डेज में कर रहे हैं 5 डेज में। अगर यहां पर दिया होता 10 men और 8 women कर रहे हैं किसी काम को 5 डेज में तो अपन क्या लिख सकते थे, अगर यहां पर और होगा तो अपन लिख सकते हैं 10 men is equal to 8 women, तो यहां पर अपन ये लिख सकते थे कि 1 man is equal to 4 by 5 women, लेकिन यहां पर और की जगह अपन को क्या दिया हुआ है, and दिया हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं 10 men and 8 women किसी काम को कर रहे हैं 5 days में, यानी मिलकर कर रहे हैं किसी काम को 5 days में। Next information अपने पास, work done by a woman in a day is equal to half the work done by a man, यानी एक woman कोई काम करती है कितना, half man के बराबर, तो अपने पास आ जाएगा 1 man is equal to 2 women। दो इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास, ये और दो ये।
तीसरा है अपने को निकालना है फोर मैन एंड सिक्स वुमेन कितने डेज में करेंगे, यानी फोर मैन एंड है तो अपन लिख सकते हैं सिक्स वुमेन कितनी डेज में काम करेंगे। अब इन क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए अपन ने कल एक फॉर्मूला पता था पढ़ा था एम वन डी वन अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू अपॉन डब्ल्यू टू। ये फॉर्मूले की हेल्प से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर मैं यहां पर भी इस इक्वेशन में सिर्फ मैन ला देता हूं यानी वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर देता हूं, यहां पर भी वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा एम वन डी वन एम टू डी टू वाला। और यही अप्रोच अपन को हर क्वेश्चन में लगाना है। अपन को रिलेशन या तो अलग से दिया होगा, नहीं दिया होगा तो यहाँ पर और दिया होगा, तो अपन ने देखा था कि अगर और दिया होगा तो किस टाइप से अपन रिलेशन ला सकते हैं मैन और वुमेन का। अब अगर यहाँ पर अपन को ये इक्वेशन दी गई है मैं वन मैन को टू वुमेन रख देता हूँ या टू वुमेन को वन मैन रख देता हूँ, इस इक्वेशन में भी मैं वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर दूंगा, इसमें भी वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास टेन मैन प्लस एट वुमेन। एट वुमेन कितने मैन के बराबर होगी, फोर मैन के पास, तो ये आ जाएगा अपने पास 14 मैन। 14 मैन किसी काम को करते हैं 5 डेज में। फिर जो अपन को क्वेश्चन में निकालनी है वैल्यू 4 मैन एंड 6 वुमेन, यहां पर भी मैं वुमेन को मैन में कन्वर्ट कर दूंगा, 6 वुमेन कितने मैन के बराबर काम करेंगी, या अपन कर देंगे 6/2 यानी 3 मैन आ जाएगा, तो 4 मैन प्लस 3 मैन दैट विल बी 7 मैन कितने डेज में काम कर रहे हैं एक्स। तो यहां पर अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे एम वन डी वन यानी 14 into 5 is equal to 7 into x, तो ये आ गया अपने पास 10 is equal to x, यानी आंसर आ गया अपने पास 4 men and 6 women मिलकर के 10 days में ये work complete करते हैं। तो देखा अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को 3 steps में करना है। First step जो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है। Second अपन को man और woman या जो भी यहाँ पर man और child या child और woman जो दिया हुआ है उसका relation निकालना है। थर्ड अपन को जो क्वेश्चन में लाना है वो इक्वेशन लिखनी है यहां पर थर्ड। इसके बाद क्या करना है, इस रिलेशन की वैल्यू यहां पुट करनी है और इसी रिलेशन की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो यहां पर भी अपन कन्वर्ट कर देंगे या तो मैन में, अगर यहां मैन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां भी अपन मैन में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहां मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां भी मैन को वुमेन में कन्वर्ट करेंगे। इस एग्जांपल में मैंने वुमेन को मैन में कन्वर्ट किया तो यहां पर अपने पास दो इक्वेशन आ गई, 14 मैन 5 डेज में कर रहे हैं तो 7 मैन कितने डेज में करेंगे, अपन ने ये फॉर्मूला लगा लिया और अपने पास आ गया 14 × 5 = 7 × x यानी x की वैल्यू आ गई 10 डेज, तो 4 मैन एंड 6 वुमेन मिलकर के 10 डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ये 3 स्टेप्स में होगा, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अपन को ये 3 स्टेप्स से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, If 3 men or 4 women can build a wall in 43 days, in how many days can 7 men and 5 women build a wall? अब इस क्वेश्चन में अपन को और दिया हुआ है, यानी 3 men अगर किसी wall को 43 days में बनाते हैं, तो 4 women भी उसी wall को 43 days में बनाएंगी, यानी 3 men कितने women के बराबर काम कर रहे हैं, 4 women के, तो men का relation क्या आ जाएगा अपने पास, 1 man is equal to 4/3 women। ये relation अपन को इस value से, इस equation से derive हो जाएगा। अभी कितने days में कर रहे हैं, अपने पास दिया हुआ है 43 डेज में, आपको निकालना है 7 मैन और 5 वुमेन, 7 मैन एंड है तो यहां पर आ जाएगा प्लस 5 वुमेन। अब मैं मैन की जगह वुमेन रख दूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 7 × 4/3 वुमेन प्लस 5 वुमेन, दैट विल बी 28/3 वुमेन प्लस 5 वुमेन, ये आ जाएगा अपने पास 28 + 15 यानी 43/3 वुमेन। अब अपन के पास जो फॉर्मूला था एम वन डी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू, ये फॉर्मूला लगा करके अपन इसका आंसर निकालेंगे। एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर अपन ने वुमेन ली है तो यहां पर भी अपन क्या लेंगे, वुमेन यानी 4 वुमेन कितने डेज में कर रही थी, 43, तो 43/3 वुमेन कितने डेज में करेंगी, मान लो एक्स, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, 43 से 43 कैंसिल, तो यह आ जाएगा पास 12 = x यानी 12 डेज के अंदर 7 men and 5 women मिलकर के ये वॉल कंप्लीट करेंगे। तो यहां पर भी अपन ने 3 स्टेप में किया है, सबसे पहले अपन ने रिलेशन निकाला मैन और वुमेन का, फिर अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 women कितने डेज में कर रही है, 43 डेज में, अपन को निकालना है 7 men और 5 women का, तो अपन ने यहां पर भी वुमेन में कन्वर्ट कर दिया मैन को, तो ये आ गया अपने पास 43/3 women। तो एक स्टेप ये हो गई रिलेशन, एक ये जो निकालना है वो निकाल लिया, और थर्ड अपन M1D1 M2D2 वाला फॉर्मूला लगा लेंगे तो उससे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 children and 24 men complete a certain work in 18 days.
If each child takes twice the time taken by a man to finish a work, in how many days will 24 men finish the same work? अब इस क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है 16 चिल्ड्रन एंड 24 मैन यानी प्लस 24 मैन कितने डेज में करते हैं किसी काम कंप्लीट 18 डेज में अपन को अगली चीज दी गई है ईच चाइल्ड टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन यानी अगर एक आदमी काम करता है एक दिन में तो एक बच्चा वो काम करेगा दो दिन में तो एक आदमी कितने बच्चों के बराबर काम कर रहा है वन मैन इज इक्वल टू टू चाइल्ड In how many days 24 men finish the work? अपन को पता लगाना है 24 men कितने में करते हैं। तो यहाँ पर अपन को relation दिया हुआ है question में one man is equal to two child यानी एक आदमी दो child के बराबर काम करता है। अब अपन इस equation में child की जगह man रख देंगे तो अपने पास आ जाएगा 16 c का मतलब क्या हो जाएगा 16 by two men plus 24 men ये हो जाएगा अपने पास 8 यानी 32 men किसी काम को 18 days में करते हैं तो अपन को निकालना है 24 मैन किसी काम को एच डेज में करते हैं एक्स क्यूब निकाल दी तो वो फॉर्मूला लगा देंगे अपन M1D1 इज इक्वल टू M2D2 ये हो जाएगा अपने पास 32 इंटू 18 इज इक्वल टू 24 इंटू एच तो जाएगा 8 वन से 8 8 से 24 8 4 से 32 3 6 से 18 तो 6 4 से 24 24 डेज आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब यानी 24 मैन 24 डेज के अंदर ये वर्क कंप्लीट करेंगे तो यहां पर भी अपन ने 3 स्टेप्स में किया है पहले अपन ने रिलेशन निकाला मैन और चाइल्ड का फिर जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी उसमें अपन ने चाइल्ड की जगह मैन रख दिया जो अपन को आंसर निकालना है उसमें भी अपन ने मैन रख दिया फिर M1D1 M2D2 वाला फॉर्मूला लगा दिया तो हो गया 32 × 18 = 24 × x तो x क्यूब आ गया अपने पास 24 डेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये SSC 2018 के टियर 2 के पेपर में भी अपीयर हो चुका है देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन को क्वेश्चन में दिया है 4 men and 5 women can complete a work in 15 days while 9 men and 6 women can do it in 10 days to complete the same work in 7 days how many women should assist 4 men अब इस केस में अपन को पहले इंफॉर्मेशन क्या दी गई है 4 men and 5 women can complete the work in 15 days नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है 9 men and 6 women can complete the work in 10 days. अब यहाँ पर अपन को मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो अपन इसमें कैसे रिलेशन लगाएंगे? M1, D1, M2, D2 इस टाइप से करेंगे। यानी इस इनफॉरमेशन को अपन साथ में लेंगे। 4 मैन और 5 वुमेन अगर 15 दिन काम करते हैं, तो 4 मैन प्लस 5 वुमेन कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन। उतना ही काम 9 मैन एंड 6 वुमेन कितने दिन में करते हैं? 10 डेज में। यानी अपन को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है 4 men and 5 women इसको मल्टीप्लाई किया 15 से 9 men and 16 women इसको मल्टीप्लाई बाय किया 10 से तो ये इक्वल वर्क कर रहे हैं तो अपन ने वर्क को बराबर कर दिया तो यहां से अपन को क्या आ जाएगा 60 men plus 75 women is equal to 90 men plus 60 women तो अगर अपन 90 वहां 60 उधर जाता है 60 इधर आ जाता है तो हो जाएगा 15 women is equal to 30 men तो यहां अपने पास आ जाएगा वन वुमेन इज इक्वल टू टू मैन यानी एक वुमेन टू मैन के बराबर काम करती है अब अपने को क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है 4 मैन प्लस 5 वुमेन मिलकर के 15 डेज में कर रहे हैं तो यहां अगर अपन मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर देंगे तो 4 मैन की जगह क्या आ जाएगा 2 वुमेन तो ये हो जाएगा 2 वुमेन प्लस 5 वुमेन दैट विल बी 7 वुमेन किसी काम को कितने डेज में कर रही है 15 डेज में अपन को क्वेश्चन में निकालना है अगर 4 मैन वर्क कर रहे हैं और मान लो एक्स वुमेन वर्क कर रही हैं तो इनको 7 डेज में ये वर्क कंप्लीट करना है तो अपन को निकालना है एक्स की वैल्यू क्या होगी अब मैं यहां पर 4 वुमेन को कन्वर्ट कर देता हूं 4 मैन को कन्वर्ट कर देता हूं वुमेन में तो ये हो जाएगा 4 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 वुमेन अगर 7 डेज में वर्क करेंगी तो एक्स वैल्यू निकालो अब ये इक्वेशन आ गया मेरे पास 7 वुमेन 15 डेज में कर रही है तो x plus 2 women 7 days में कर रही हैं x value निकालनी तो अपन formula लगा देंगे m1 d1 is equal to m2 d2 ये हो जाएगा अपने पास 7 into 15 is equal to x plus 2 into 7 7 से 7 cancel x plus 2 15 आ गया यानी x value आ गई 13 इसका मतलब question में अपन को पूछा है कि how many women should assist 4 men तो 4 men को कितनी women assist करेंगी x यानी 13 तो इस question में अपन को
दो इक्वेशंस दी गई है, फोर मैन और फाइव वुमेन मिलकर किसी काम को 15 डेज में कर रहे हैं, नाइन मैन एंड सिक्स वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। तो अपन ने इसको डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, मैन और वुमेन को डेज से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर अपने पास वुमेन और मैन का रिलेशन आ गया कि एक वुमेन दो आदमी के बराबर काम कर रही है। अब अपन ने इस इक्वेशन में मैन की जगह वुमेन रख दिया, तो फोर मैन कितनी वुमेन के बराबर काम करेंगे, टू वुमेन के, तो टू वुमेन प्लस फाइव वुमेन यानी सेवन वुमेन 15 डेज में वर्क कर रही है। यहां पर अपन ने मान लिया जो क्वेश्चन में पूछा है कि फोर मैन को कितनी वुमेन असिस्ट करेंगी, अपन ने मान लिया फोर मैन को एक्स वुमेन असिस्ट करेंगी। अब यहां पर फोर मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, फोर मैन इज इक्वल टू टू वुमेन, क्योंकि टू मैन इज इक्वल टू वन वुमेन है, तो फोर की जगह आ जाएगा टू, तो एक्स प्लस टू वुमेन सेवन डेज में वर्क कंप्लीट करेंगी। तो एक्स की वैल्यू अपन निकालेंगे m1d1 m2d2, m1d1 की जगह रख देंगे 7 into 15 और m2d2 की जगह रख देंगे x plus 2 into 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13, यानी 13 वुमेन 4 मैन को असिस्ट करेगी, तो ये वर्क 7 डेज में कंप्लीट हो जाएगा।